Assalamualaikum, my dear student, myself Shah Hussain. आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट ईकैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज बाय शॉर्ट ट्रिक. हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल पावर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू. अल्फा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट इसकियर, बीटा ऑप्शन है ए टू द पावर फाइव, चार्ली ऑप्शन है ई टू द पावर माइनस टू एंड डेल्टा ऑप्शन इज ई टू द पावर माइनस फाइव. अब डियर स्टूडेंट हमें ऑप्शन से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने इसका आंसर इन टर्म ऑफ ई राइट करना है. और जब भी हमने आंसर इन टर्म ऑफ ई राइट करना है आपके पास सबसे पहले आपको इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई. ये डियर स्टूडेंट हमारे पास है फार्मूला, हमें इसकी हेल्प से अपना एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है. तो जब भी ये फार्मूला अप्लाई करना है शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का लेना है प्रोडक्ट. आप नोटिस करें अगर मैं वन ओवर एक्स और एक्स का प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, वन. जो आंसर आएगा वो आपने ई की पावर में लिख देना है. अब यहाँ पे वन आंसर है तो ई की पावर में वन, नो नीड टू राइट वन इन दी पावर ऑफ ई. अब डियर स्टूडेंट अगर ई की पावर में यहाँ पर वेरिएबल आ जाए देन क्या करेंगे, देन हम उस पर लिमिट भी अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो वन है बट यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन नहीं है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है, हमें इसे इस तरह कन्वर्ट करना है कि फर्स्ट टर्म क्या बन जाए, वन. और उसका आसान वे ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही हमने न्यूमिनेटर में वैल्यू बनानी है. तो आप नोटिस करें यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, एक्स प्लस सिक्स को मैं राइट कर सकता हूँ एक्स प्लस वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन. मैंने डियर स्टूडेंट यहां से डिनोमिनेटर से चीटिंग करते हुए न्यूमिनेटर में एक्स प्लस वन प्लस फाइव राइट कर दिया. अब आप नोटिस करें नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे सेपरेटली राइट कर सकता हूं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन टू दी होल पावर एक्स प्लस फोर. लिमिट साथ वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो कैंसल होकर क्या बनेगा, वन. इसका मतलब यहां पर फर्स्ट टर्म वन बन चुकी है. अब इस पे शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, हमने माय डियर स्टूडेंट इन दोनों का लेना है प्रोडक्ट और जो आंसर आएगा वो कैसे लिखना है ए की फॉर्म में. तो लिमिट सेम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर में फाइव इन टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ चुका है. अब माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं ई की पावर में तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है. तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हमारे पास सेकंड शॉर्टकट की क्या होती है, हमारे पास शॉर्टकट की ये होती है कि हम लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं. तो मैं सबसे पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ई टू द पावर फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन एक्स प्लस वन. अब अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म बने तो क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक में मेथड है लोपिटल रूल. हम इस पे लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे. लोपिटल रूल क्या कहता है, लोपिटल रूल ये कहता है न्यूमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, देन लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो 5x का माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या होगा, 5 प्लस कांस्टेंट का 0 अपॉन x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0. यानी आपके पास आ चुका है e टू द पावर 5. और क्योंकि ये कांस्टेंट है कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे भी तो कांस्टेंट वैल्यू ही हमें मिलेगी. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने, कौन सी करेक्ट ऑप्शन इज आवर बीटा ऑप्शन विच इज e टू द पावर 5. तो ये हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू था. माय डियर स्टूडेंट हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जो है मेरे लिए टॉनिक होगा.
बूस्ट अप करेगा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।